मेरे कोई इतराज नहीं है जी। और बताते हैं कीमत आकी गई है जी 10 एकड़ की, मेरे ख्याल में 400 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़। तो भाई मेरा ये कहना, अगर 500 करोड़ पे हरियाणा सरकार को 10 एकड़ की जमीन के लिए देना है, तो चंडीगढ़ में जितनी जमीन है उसका 40% उसके हिसाब से लगा लो, हमारे तो हम राजधानी बुला लेंगे, लाखों करोड़ आएगा, लाखों करोड़ में हम राजधानी बना लेंगे। ऐसे ऐसे मतलब ये थोड़ा है भाई, आज अपना जो हक जो है हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दो और 40% के पैसे दे दो हमारे, इसी इसी रेट से जो रेट हमारे को दे रहे हैं अब विधानसभा के लिए, इसी रेट से जो हमारा 40% क्षेत्र है पूरे चंडीगढ़ का, उसका 40% हमारा हक है, हमारा है, और 60% पंजाब का है जो पहले बंटवारा हुआ उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से दो। नहीं तो आप अपने चंडीगढ़ पे अपना जो है क्लेम कमजोर मत करो, क्लेम छोड़ ये, ये हरियाणा के हितों के साथ उठाराघात होगा। वहां इसमें जो नॉर्दर्न जोन काउंसिल हुई उसमें मीटिंग में उठाया गया कि 1000 क्यूसिक पानी नहीं मिलता। अरे मेरे असेंबली की देखो, पिछले कई साल से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जो पावर का मेंबर होता है वो पंजाब का होता है, इरिगेशन का मेंबर मेंबर का हरियाणा का होता है, कई साल से वही जगह खाली पड़ी है। तो होना ही उठाराघात जब आपका कोई आदमी वहां देखने अपने हक देखने वाला नहीं है। मैंने असेंबली में उठाया था सवाल ये, और अब जो प्रपोजल आई थी उस टाइम भी मैंने कहा, उस टाइम वो हो गया, उसी टाइम इस बात का इतराज करना चाहिए था कि ये था भी मेंबर कहीं से बाहर से ले, ये वहाँ बेसिक जो आज तक चलते रही कन्वेंशन ये थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का, पावर का पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो इन स्टेटों में से नहीं होगा, ना हिमाचल से होगा, ना हरियाणा से होगा, ना पंजाब से, ना राजस्थान से, जो इसमें हिस्सेदारी है उसमें नहीं होगा, बाहर की स्टेट का होगा। आज तक ये चलता रहा, अब पीछे कई सालों से हिमाचल का स्टेट का प्रधान चेयरमैन बना रखा था, और ये एक वो बता रहे थे भी मेंबर कहीं भी किस स्टेट का बन सकता है, ये अमेंडमेंट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा को अपने आप हरियाणा के हितों किसी प्रकार से कमजोर नहीं होना चाहिए। यार SYL में मध्यस्थता मांग रहे, मध्यस्थता की जरूरत ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला फाइनलिटी हो चुका है, और उस मीटिंग में हम भी थे, और उस समय के गृह मंत्री थे राजनाथ, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के मैं था, और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हमारा SYL के थे वो थे वहाँ, उनके सामने मैंने पूछा था कि भाई जो मध्यस्थता की अब जो ये हुआ है फाइनलिटी हो चुकी, इसमें कोई एग्जीक्यूशन डालने की जरूरत है, क्यों नहीं, वो मतलब ही नहीं, अब तो इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट बीजेपी की सरकार यहाँ पर है और बीजेपी की सरकार केंद्र में इम्प्लीमेंट करवाएं, और जो अपना जो ये हमने बनाया था अपना नहर जो दूसरी उसका सुप्रीम कोर्ट में दिन से पेंडिंग है, उसकी मजबूती से लड़े, हाँसी उठाना, उसका गेट खुलवाने का वो करे। क्या आपको लगता है सरकार गिर सकती है, मध्यवर्ती चुनाव की संभावना कुछ ऐसा है? देखिए सरकार तो जो है ना है ही नहीं, तो गिरेगी क्या सरकार, वो गिरती जो हो, तो मैं कहता हूँ ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही नहीं है, इतनी जबरदस्त भ्रष्टाचार, एक के बाद एक घोटाला घोटाला शुरू कर दो, कब से घोटालों की सरकार है। मिनिस्टर कहते हैं भाई भ्रष्टाचार का काल मुंह से कहते हैं, वो तो अपनी सफाई में कहते हैं, लेकिन घोटाला किस कह रहे हैं, धान की खरीद का घोटाला, कोरोना में रजिस्ट्री की गीट का घोटाला, अरब ये घोटाला हुआ था इसका, शराब का घोटाला, फार्मेसी का घोटाला, किस चीज का घोटाला, अमृत योजना का घोटाला, आज भी मैं कहता हूँ अमृत योजना का जितना बड़ा घोटाला है CBI से क्यों नहीं जांच कराते, फिर नौकरियों में घोटाला, SS कमीशन में घोटाला हुआ, चेयरमैन बदलना पड़ा, HPSC में जो नगद इतने करोड़ों रुपए पकड़े गए, मेरे से आश्वासन दिया था 1 करोड़ रुपए हम इंक्वायरी कराएंगे,
कह देते SID बना देते, किसी की रिपोर्ट कहां तक नहीं आई। खाली ये ऐलान कहने से एक भाई SIT बना दी, उसकी रिपोर्ट तो आई नहीं भैया। चौधरी साहब भी खूब है, बेरोजगारी भी खूब है, इसके बावजूद भाजपा का तोड़ क्यों नहीं निकल पा रहा? जैसे आप निकाय चुनाव आने दे, चुनाव आने दे, आने दे, इंतजार कर ले साल की, डेढ़ साल जितने साल में फिर देखिए, बस थोड़ा सा इंतजार कर। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाए, बाप का घड़ा भर चुका है, फूट जाएगा। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 10 विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे भाई, मैं क्या करूँगा, मैं तो कांग्रेस में हूँ, मेरे को मालूम नहीं है उसका, लेकिन मैं बगैर पते क्या रहता। यहाँ तो कुलदीप बिश्नोई का मैं कह चुका हूँ, ठीक है अपना फैसला उनका अपना है भाई, जिस पार्टी से चुन के गए हैं इस्तीफा दे दो, असेंबली से चुनाव लड़ दो, लोग जिताएंगे तो बीजेपी में बैठ जाएंगे। जांच हो रही है सबको मालूम है, जांच हो रही है। चौधरी साहब हरियाणा से बहुत सी कंपनियां जा चुकी हैं, कोई गुजरात जा रही है, कोई यूपी जा चुकी है, जिनसे भी एक जिप्सम थी वो भी जा चुकी है, क्या लगता है सरकार विफल है नहीं रोक पा रही है? जी दिल्ली के नजदीक गुड़गांव है और नोएडा है, लेकिन जब हमारी सरकार थी लोगों की प्रेफरेंस गुड़गांव थी, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी थी, सब अपने आप सुरक्षित करते थे, जो इन्वेस्ट करते थे वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, इस वास्ते नोएडा की बजाय गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे थे। यूं ही एकदम इसी वजह से इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी कि जापान देश की 70% इन्वेस्टमेंट हरियाणा में, आज एक एक करके जा रहे हैं और उधर बढ़ रहे हैं। जो हवाई जहाज हवाई अड्डा इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो मैम के पास आना था ये 3-4 जिलों में चांग, वो तो जेवर चला गया। इन्वेस्टमेंट तो उसके हिसाब से आती है, सुरक्षा के हिसाब से आती है, फैसिलिटीज के हिसाब से आती है। एक उड़ा साहब पिछले